वो ऊपर दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, वो स्नो का माउंटेन है जहाँ पे हम लोग कल जा रहे हैं। तो काफी बड़ा मार्केट है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गैंगटॉक। शांतनु भाई कल वाला ब्लॉग देख रहे हैं, तो यहाँ पे इतना ज्यादा ठंड है ना कि भाई मॉर्निंग को यहाँ से बेड से उठने का मन नहीं करता। तो शांतनु भाई ने तो उठ उठ के वो फ्रेश हो गया, अभी मैं उठूंगा। तो भाई अभी फ्रेश हो लेते पहले, उसके बाद निकलेंगे परमिट बनाने के लिए, इनर लाइन परमिट। तो अभी पहले फ्रेश हो लेते भाई। पूरा गर्म पानी है बाथरूम में, लेकिन ये बहुत ज्यादा ही गर्म है, इसमें ठंडा पानी मिक्स करना पड़ेगा। ये वाला तो वीडियो आप लोग देख ही चुके होंगे। अभी यहाँ से रेडी वेडी होके निकलेंगे यहाँ से परमिट के लिए भाई। एंड आज परमिट के लिए अप्लाई करेंगे तो हम लोग कल निकलेंगे यहाँ से लाचेन के लिए। अच्छा खासा धूप निकला है बाहर, अभी बाहर चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर जो परमिट का काम है वो करेंगे। तो रात को हम लोगों ने बाइक को यहाँ पे पार्क कर दिया था। एंड गाइस ये वाला जो चीज है ना, ये निकल गया है, ये निकल चुका है एक यहाँ से। इतना ज्यादा खराब रोड मिला हम लोगों को पहाड़ी चढ़ते वक्त, तो यहाँ से निकल गया, इसको गुवाहाटी जाके लगा लेंगे इसको। बाइक को पहले देना पड़ेगा कोल्ड स्टार्ट। तो हम लोग अभी निकले हैं परमिट के खोज पे। भैया ओ भैया थोड़ा सा इधर आइए ना, थोड़ा सा इधर। बाइक का परमिट कहाँ पे बने? हाँ 0 पॉइंट, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे जो डॉग्स होते हैं ना, ये लोग को देखो, मैंने अहमियात नाम तो मोना था ख्याल बोली। इस धूप में राइड करते हुए मजा आ रहा है कि धूप निकला हुआ है लेकिन भाई ठंड है, लेकिन ये ठंड मजा आ रहा है। आज पूरा दिन जाएगा परमिट बनाने में और कल हम लोग यहाँ से निकलेंगे लाचेन के लिए। सर 0 पॉइंट कहाँ पे? 0 पॉइंट ये वाला ना, ओके। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, अभी बाइक को पार्क करते हैं यहाँ पे, अब सही है। तो यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया है। ओके, तो यहाँ पे फॉर्म लेने के लिए आया था, अभी फॉर्म वगैरह सब कुछ फिल कर दिया, अभी जाना है इसका पॉल्यूशन निकालने के लिए। बिकॉज यहाँ पे बोला कि नया गाड़ी है, पॉल्यूशन 2 साल तक नहीं लगेगा, फिर भी बोला कि नहीं पेपर वाइज शो करना पड़ता है, तो इसका पहले पॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है। वो एक बटरफ्लाई ब्रिज है, वो बटरफ्लाई ब्रिज के सामने है, बैठ जा। एंड यहाँ पे डबल हेलमेट पहनना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, अगर नहीं पहने आपको जगह जगह पे रोक लेगा। एंड सिक्किम आ रहे तो एक बात मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे स्मोकिंग जो है रोड साइड या फिर बाहर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, पूरी तरीके से बैंड है यहाँ पे। अगर आपको स्मोकिंग करते हुए यहाँ पे पकड़ ही लेगा, बिकॉज हर चौराहे में आपको यहाँ पे पुलिस मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर पकड़ लिया तो आपको 2500 रुपए का फाइन हो जाएगा। प्लास्टिक बॉटल वगैरह यहाँ पे अगर आप लोग फेंका ना, फिर तो भाई बहुत लंबा फाइन कटेगा आपका। एंड यहाँ के लोग ना भाई बहुत ही ज्यादा अच्छे, कुछ भी पूछो तो आपको बड़े अच्छे से हेल्प कर देगा। एंड यहाँ का जो पुलिस वाले है बहुत ही ज्यादा अच्छे है यहाँ के। मेरा बाइक का चाबी खो गया था, 2-3 पुलिस लोग मिलके ढूंढ रहे थे वहाँ पे पूरा। एंड यहाँ पे एक चीज देखा भाई, कोई ओवरटेक नहीं करता, यहाँ पे लाइन बाय लाइन जाता रहता है। ये देख रहे हो ना जो गाड़ियां आ रहा है, कोई ओवरटेक करके नहीं आ रहा है, लाइन बाय लाइन आ रहा है पूरा। तो यहाँ से भैया बोला कि और 1.5 किलोमीटर सीधा सीधा जाना है। तो यहाँ पे फिलहाल अभी हम लोग बाइक का पॉल्यूशन का यहाँ से पेपर निकाल रहे हैं। देखो भाई, अगर आपका पॉल्यूशन फ्री भी आपका बाइक, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे आके पॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, या फिर आप वहाँ से भी, जहाँ से हो वहाँ से भी आप लोग बना के लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे अंदर कुछ चेक कर रहे पॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे पॉल्यूशन हो चुका है डन, अभी चलते हैं परमिट ऑफिस, वहाँ पे जाके ये सब कुछ वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, फिर शाम तक आ जाएगा परमिट। एंड कल मॉर्निंग को निकलेंगे भाई यहाँ से, आज थोड़ा बहुत घूमेंगे गैंगटॉक। एंड ये है वो बटरफ्लाई ब्रिज। तो परमिट का काम हो चुका डन, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ से एंड निकलेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे सिटी को। सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया था इस परमिट के चक्कर में। तो ये है मीवी वायरलेस फ्रीडम डुओ पॉड्स M20, 1 ईयर का एक वारंटी का कार्ड मिलता है, इसको चार्ज करने
आप इसको चार्ज कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे है भाई पॉड्स, वो भाई साहब देखने में तो भाई प्रीमियम लग रहे हैं। एंड यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ से आप इसको निकालते ही ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे डाल दिया, फिलहाल अभी ये बंद है, तो जैसे मैं यहाँ से निकलता हूँ ये ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो बहुत ही सही चीज़ है ये, पहले ही मेरे पास आ गया था लेकिन कुछ दिनों से इसको यूज़ कर रहा हूँ भाई। मतलब जब मैं बाइक राइड करता हूँ ना भाई, इसको ही मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ भाई। क्वालिटी भाई ऑसम है। एंड इसका जो बैटरी लाइफ है, बैटरी लाइफ बहुत ही तगड़ा है, पूरा दिन तो चल जाएगा, मतलब दो दिन तो आराम से चल जाएगा आप इसका। और प्राइस के हिसाब से भाई बहुत ही ज़्यादा कम है, मेरे को तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। किसी को अगर परचेस करना है तो लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से जाके परचेस कर लेना। लिंक के थ्रू परचेस करोगे तो थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से भी निकल के आए हैं थोड़ा ऐसे घूमने के लिए। एंड इधर ये है एमजी मार्क, मतलब शाम के टाइम पे यहाँ पे चिल मारने का सबसे बेस्ट प्लेस है ये। यहाँ पे हर तरफ एस के मतलब गाड़ी का नंबर प्लेट सारा एस के बिकॉज सिक्किम है, सिर्फ हम लोग का यहाँ पे उसमें AS01। नीचे का व्यू तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है, जगह तो मस्त लग रहा है भाई यहाँ का। ओ तेरी व्यू क्या मस्त आ रहा है यहाँ से। ओ पूरा पहाड़ी पे ऐसे रोड्स ऐसे 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 करके नीचे जा रहे हैं। वो ऊपर दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, वो स्नो का माउंटेन है जहाँ पे हम लोग कल जा रहे हैं। ओहो भाई साहब क्या लग रहा है, स्नो का पहाड़। तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है रात के 9:30। एंड अभी हम लोग थोड़ा सा जा रहे हैं एमजी मार्केट की तरफ। तो फिलहाल अभी हम लोग हैं एमजी मार्केट एंड यहाँ पे आप लोग चिल मार सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, रात को भी आ सकते हो, बहुत ही सही प्लेस है। तरफ भी है उस तरफ भी है, तो काफी बड़ा मार्केट है। तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 10 एंड हम लोगों का तलाश है कि कोई गिफ्ट का दुकान, बिकॉज शांतनु को लेना है कुछ कुछ गिफ्ट, मेरे को भी लेना है। तो कल हम लोग जब आए थे पूरा खुला था, बिकॉज हम लोग 6:30 के आसपास आ गया था, लेकिन कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो आज हम लोग थोड़ा सा लेट करके यहाँ पर आए, सारा दुकान हो चुका है बंद, कुछ खाएंगे एंड फिर यहाँ से सीधा चले जाएंगे होटल, सोना है बिकॉज कल मॉर्निंग को निकलना है यहाँ से हम लोगों को। वो जिम है क्या ऊपर कैफे है? और ये रात के 10 बजे हम दोनों खोपड़ी स्टैंड घूम रहे रात के अंधेरे में सिक्किम में हम लोग ऐसे घूम रहे चोरों की तरह, जहाँ कुछ मिलेगा उठा लेंगे। क्या शांतनु भाई कुत्ता मिला उठा ले? हाँ कुत्ते को उठा लेगा क्या? तो यहाँ पे भी डिनर करेंगे, सीधा चले जाएंगे होटल।